यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विपुल चंदोली जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेम चंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, टिहरी क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय महालक्ष्मी शाह जी, देहरादून शहर के महापौर आदरणीय सुनील बंगाल वर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री सुखबीर सिंह संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव श्री राधा रतूरी जी एवं सभी उपस्थित यहां पर सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिजन, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने दूर दूर से इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आए हुए सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैनियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैत्री सेन गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष हरिका किला क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारत वर्ष, भूमि भाग्य योगदान दिया। दूर दूर से इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आए हुए सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव की
इस मेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरिका किला क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारत वर्ष। भूमि भाग्यशाली राष्ट्र में जन्म लेना और मां भारती की सेवा का अवसर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित यह अमृत महोत्सव नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का भी संकल्प है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हम साथ चलें, मिलकर सोचें, मिलकर संकल्प लें और मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। मुझे गर्व है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का और संकल्प का एक नया भाव जागृत हुआ है। हमारा देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। देश के घर घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ साथ नए भारत का भी निर्माण हो रहा है। आज भारत की पहचान एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली देश के रूप में इसकी पहचान हो रही है। देश आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। अमृत काल में देश के स्वर्णिम विकास की नींव रखी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देश में विकास की नई गाथा लिख रहा है। देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर विकसित हुई है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा का अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। कोविड महामारी का जिस प्रकार से हमने सामना किया है उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। जब कोविड महामारी दुनिया के दूसरे देशों में आ रही थी, भारत ने उस बीमारी ने आना शुरू किया था, तो दुनिया के देशों में शंका पैदा हो गई थी कि भारत कहीं आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी का बन जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व और उनकी सोच, जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन किया गया, यहां दो स्वदेशी वैक्सीन एक साल से भी कम समय के अंदर यहां पर बनाने का काम हुआ, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, यहां एक डोज लगाई गई, दूसरी डोज लगाई गई और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, यहां हमारे देश के अंदर 200 करोड़ का यह आंकड़ा पार हो गया वैक्सीन लगाने का, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत की सरकार ने 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन देने का काम किया है। दूर दूर से इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में
सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरिका कीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारत वर्ष, भूमि भाग्य। प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व है किता जिससे इतिहास की अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कश्मीर के अंदर जहां दो विधान, दो प्रधान और दो संविधान चलते थे, वहां भी धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हुआ है। मुस्लिम बहनों को तत्काल 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी मिली है। आज हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में जहां केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहां स्वीकृति प्रदान हुई है, चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और चार धाम और वेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी कर सकती है। जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बाग बहुदेशी परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावक क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाल बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी
वो नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान, उसमें भी वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नई साधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो द्वारा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। हमारी सरकार ने चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति के क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए 700 करोड़ के राहत पैकेज की भी व्यवस्था की है। चिकित्सा कर्मियों, राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोविड वॉरियर्स को प्रोत्साहन और सम्मान राशि के द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित 83 बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। हमने राज्य में निःशुल्क जांच प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 47,83,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5,40,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन योजना अभी प्रारंभ की गई है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9,30,000 किसानों के खातों में लगभग 1,581 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस पर 6 गुना किया है। निकट भविष्य में हम बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए हमारे जो 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में
भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग, केवीटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में भी समायोजित कर रही है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है। सभी न्याय पंचायतों पर क्लस्टर आधारित ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। लोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अब इसी वर्ष की श्रेणी में आ गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म उद्यम योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक और 150 बालिकाओं को खेल छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा। हमने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा है। होम स्टे योजना से यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अभी तक 4,060 होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। नदियों व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही है। अमृत महोत्सव के तहत 1250 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। जैविक उत्पादों के विपणन के लिए जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू हुई है, जिसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। चाय बागान धौला देवी मुंशियारी बेताल घाट को जैविक चाय बागान में परिवर्तित किया जा रहा है। विशेष सघन फसल आधारित अरवा बैलिया विकसित किए जाने की हमारी योजना है। सघन पौधा केंद्र शेलागुली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र एवं सुगंध प्रयोगशाला का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया है। गढ़वाल के भरसार और कुमारी के चौबटिया में सघंध पौधों के लिए क्षेत्रीय केंद्र खोले जाने की योजना है। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। ई वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हाल ही हमारे देश की सबसे बड़ी थिंक टैंक संस्था नीति आयोग की बैठक में मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का वहां पर अवसर प्रदान हुआ था। मेरे मानस में 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी का बाबा केदार की भूमि से कहे गए वह शब्द बार बार गूंज रहे थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और संयोग देखिए कि उन्होंने वहां 5 नवंबर 2021 को ये शब्द कहे और इस बार की चारधाम यात्रा अभी तक 30 लाख से अधिक पंजीकृत तीर्थयात्री चारधाम में आ चुके हैं और गत श्रावण मास में 4 करोड़ कांवड़े उत्तराखंड की धरती से पवित्र जल लेकर गए हैं। हमारे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पॉलिसी स्तर पर कार्य किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। हम अपनी विकास योजनाओं का फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु जन संवाद आधारित विचारों की श्रृंखलाएं
जिसमें बोधिसत्व के कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रकार, योजनाओं तथा उनके बेहतर क्रियान्वयन के चलते पिछले वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है तथा सामाजिक आर्थिक सूचकांक में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। सतत विकास सूचकांक लक्ष्य जहां 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और अब हमारा स्थान 4th हो गया है। इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। शहरी विकास विभाग को वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लोहा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जब हम सन 2025 में अपने राज्य के निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकल्प नहीं संकल्प के मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि हेतु हमें आप सभी का मार्गदर्शन चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में उत्तराखंड का अवश्य ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल झुके बिना नहीं रहेगी। हमारे पथ प्रदर्शक भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों को अपना संकल्प सूत्र मानकर हम उत्तराखंड की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।